विगत 24 मार्च को मादुआ थाना क्षेत्र के ग्राम अनगौर के समीप दो सर्राफा व्यापारियों के साथ हुई लूट की घटना का रविवार को पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि लूट की वारदात को 6 लुटेरों ने अंजाम दिया था, जिनमें से 4 गिरफ्तार हो चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है और जो 2 आरोपी अभी फरार हैं उनकी तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि ग्राम अनगौर निवासी प्रमोद सोनी अपने बड़े भाई देवेंद्र सोनी के साथ 24 मार्च को आभूषण लेकर दुकानदारी करने ग्राम बड़द्वाहा के बाजार गया था। यहां से शाम करीब 6 बजे दोनों वापस लौट रहे थे, तभी ककड़दा से अनगौर के बीच कच्चे रास्ते पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट करने के बाद बैग में मौजूद आभूषण लेकर भाग गए। प्रमोद सोनी की रिपोर्ट पर थाना मादगुआ में धारा 394 IPC 2527 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के लिए गठित की गई पुलिस टीम ने घटनास्थल का भौतिक निरीक्षण कर मैकेनिकल और टेक्निकल साक्ष्य एकत्रित किए और मुखबिर की सूचना तथा तकनीकी साक्ष्यों की मदद से लूट की घटना में शामिल 4 आरोपियों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में रघु उर्फ राघवेंद्र सिंह उम्र 20 वर्ष, लोकेंद्र सिंह उर्फ रूपेंद्र सिंह परमार उम्र 19 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम ककड़दा थाना मादगुआ, 28 वर्षीय भूपेंद्र सिंह निवासी ग्राम अनगौर थाना गुलगंज और 26 वर्षीय आकाश सिंह परमार निवासी ग्राम दालौन थाना सिविल लाइन छतरपुर शामिल हैं। इन आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने करीब 2 लाख कीमत वाले सोने चांदी के जेवरात, घटना में प्रयुक्त 315 बोर का देशी कट्टा और काले रंग की बिना नंबर वाली राइडर मोटरसाइकिल जब्त की है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि घटना में 2 अन्य आरोपी अजय उर्फ सुखपाल सिंह परमार निवासी गुलगंज और बड़े राजा उर्फ ब्रजेंद्र सिंह निवासी गुना गुरर जिला टीकमगढ़ भी शामिल हैं, जिनकी तलाश अभी जारी है। 24 मार्च को एक घटना हुई थी 2 व्यापारियों के साथ जो अनगौर के रहने वाले थे, बरदवाहा का मार्केट करके शाम को वापस लौट रहे थे और कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट करके लूट की घटना की थी। तो उसके संबंध में हमारी टीम SDOP बिजनौर और मादगुआ थाना प्रभारी के अंतर्गत पूरी टीम लगी रही और आज हम उस घटना का खुलासा कर रहे हैं। उसमें अभी जो 4 आरोपी हैं उनकी अरेस्टिंग हो गई है। 4 आरोपियों के साथ में लगभग 2.25 किलो चांदी और मोटरसाइकिल जो उन्होंने घटना में प्रयुक्त की है और कट्टा जो 315 बोर का था ये अभी हमने जब्त किया है। अभी कुछ आरोपियों की अरेस्टिंग होना बाकी है, हमारी टीम लगी हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम उनकी अरेस्टिंग करके बाकी जो बची हुई संपत्ति है उसको भी जब्त करने में सफल रहेंगे। इसमें मुख्य रूप से घटना इस प्रकार से रही कि इन लोगों ने पूरा टीम बना के कि कुछ 2 लोग रेकी कर रहे थे, 2 लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे, 2 लोग आगे पीछे से रास्ते को रोके हुए थे, इस प्रकार से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो इन लोगों पर सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जो बचे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पहले से भी आपराधिक मामले पूर्व से भी इन पर आपराधिक मामले हैं। एक व्यक्ति जैसे इसमें पूर्व में जिला बदर रहा और उसके बाद वापस आया और इस प्रकार की घटना में संलिप्त हुआ है। शराब के संबंध के अपराधों में भी संलिप्त होने की जानकारी मिली है। तो पूर्व के अपराधों में भी हम इनके जमानत को निरस्त करवाएंगे और भी जो हम गंभीर से गंभीर इन पर कार्रवाई कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे, ताकि एक सभी में संदेश जाए कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी है। और सभी से ये अपील भी है कि इस प्रकार के कोई भी आदतन अपराधी व्यक्ति किसी के भी संज्ञान में आते हैं तो हमको अवश्य अवगत कराएँ।